देव जा रहे हैं तो मैं उनको बाहर तक छोड़ के आती हूँ और फिर दरवाजा लॉक करके मैं इधर कपड़े धोऊंगी। जैकेट पहनने के बाद मेरा लुक कुछ ऐसा निकला है, तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ, मैं आ चुकी हूँ और मैं कपड़े डाल लेती हूँ। कपड़े गाइस नीचे तो मैं आ चुकी हूँ, अभी रूम पर लाइट वाइट सब बंद करके गई थी ना, इसलिए अंधेरा हो रहा है। पहले लाइट चला लूँ। यस, मैं बर्तन। आप लोग आई होप सब मस्त होगी। तो गाइस मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका आज का मेरे यूट्यूब चैनल पे दीपू पहाड़ी ब्लॉग्स पे। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है मॉर्निंग के 9 बजे से, और अभी अभी हमारा नाश्ता हो गया है। नाश्ता करके जस्ट बैठी हूँ और गाइस और काम सारा हो चुका है, बस पतिदेव जी भी जाने लगे हैं ड्यूटी को, ये रेडी हो चुके हैं और मुझे भी मेरा काम करना है, कपड़े धोने हैं। मैं इतने सारे कपड़े भी गा के आई हूँ और किचन का काम भी मेरा हो चुका है, सफाई वगैरह। बस थोड़ा बहुत नाश्ते के बर्तन धोने हैं, तो अभी मैंने डाल रखे हैं बहुत सारे कपड़े धोने के लिए, भिगोने डाल रखे हैं। अभी थोड़ी देर बाद धोऊंगी, तब तक अपने आप भीगते हैं। और आज मुझे अपने जूते भी धोने हैं और इनके जूते भी धोने हैं, मैंने रखे हैं धोने के लिए। तो फर्स्ट क्लास की धूप आई है, इसी धूप में आज मैं ऊपर वाले छत में डालूंगी कपड़े, वहाँ सूख जाएंगे जल्दी, क्योंकि मेरे गर्म वाले हैं ना उनको, मेरे वाले छत में तो धूप आती है नहीं, तो ऊपर वाले छत में डालूंगी, वहीं धो के डालूंगी, वहाँ जल्दी सूख जाएंगे। तो ये देखो ये तो हो चुके हैं रेडी। और गैस आज का मौसम रोज की तरह कड़कती धूप है और आजकल कोहरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी दो ही महीने ऐसे हैं जिसमें खतरनाक कोहरा लगा रहता था, अब नहीं लग रहा है। मतलब अभी तो अब जनवरी में नए न्यू ईयर से ही जो लगेगा, बट अभी तक तो नहीं लगा है कोहरा, कि तेज़ धूप आ रखी है। मैं डालूँगी छत में ऊपर वाले में, तो मेरे वाले छत में तो धूप आती है नहीं, आज मैं जाऊँगी इधर वाले छत में। तो चलिए दोस्तों अभी अंदर का काम करते हैं, पहले मेरा अपने पुन्नों को भेजती हूँ ड्यूटी को, उनका सामान वामान का उनको सॉक्स दे दिए, बस रुमाल लग लिया। हाँ ये देखो इनका फाइनली लुक ये हो चुके हैं रेडी, चलते हैं। तुमने दिया जलाया? तो चलिए दोस्तों एक शर्ट और मिल गई है, इसको भी डुबा के आती हूँ। और भिगाए थे मैंने कपड़े, थोड़ा उनको पलटा के आती हूँ, मतलब ऊपर नीचे करती हूँ। ये अपने आप भीगते हैं, इसके बाद मैं लास्ट में दूंगी जूते। तो देव जा रहे हैं तो मैं उनको बाहर तक छोड़ के आती हूँ और फिर दरवाजा लॉक करके मैं इधर कपड़े धोऊंगी। टाइम हो रहा है शाम के 3:30 बजे का, और अब भी मैं जाके फ्री हो रही हूँ। फ्री तो मैं दिन भर थी, बैठी थी अभी तक, अभी जाके मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, अब भी अभी धो के ऐसे रखे हैं, मतलब जाती हूँ छत में डाल के आती हूँ, जूते भी धुल चुके हैं और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मतलब रेडी क्या हूँ, घर ही में, बट बाल बाल बना के सुबह से मैंने कुछ नहीं करा था, और अब मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं छत में जाऊँगी बैठने के लिए,
मैं ढूंढ रही हूँ अभी अपनी स्वेटर, क्या पहनूँ क्या पहनूँ हो रही है मुझे, तो देखती हूँ क्या मिले मुझे। एक मिला, वो मैंने निकाला नहीं था अपना हुड, अभी वो धोना पड़ेगा पहले, जब धोऊंगी उसके बाद ही पहना जाएगा। अभी मैं कितने चक्कर लगा दिए मैंने, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या पहनूँ करके। अलमारी में भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा मेरे, कुल्लू की जैकेट भी नहीं दिख रही है अभी मुझे ब्लू वाली, वरना मैं हाँ यस ब्लू वाली जैकेट पहन लेती हूँ इनकी, कुछ तो पहन लो, ठंडा हो रहा है, ठंडे से बचना है बस। तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुकी है, मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ कि मुझे कैसा आ रहा है। जैकेट पहनने के बाद मेरा लुक कुछ ऐसा निकला है, तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अब ये भी हो चुका है और सॉक्स भी पहन लिए मैंने, तो अब चलते हैं ऊपर छत में कपड़े डाल के आते हैं। कपड़े मैंने ऐसे रखे हैं, कपड़े अपने डाल के, अब ये कपड़े आज तो सूखने से रहे नहीं, कल ही सूखेंगे, तो फिलहाल मैं डाल के आती हूँ उनको। छत में आ चुकी हूँ और मैं कपड़े डाल लेती हूँ, कपड़े सूखने वाले में तो है नहीं, धूप भी नहीं आई है यहाँ कहीं, धूप नहीं दिख रही है, तो चलिए पहले कपड़े डाल लेते हैं। डाल दिए हैं, मुझे लगा कपड़े डालने छत में जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत धूप आई होगी, तो यहाँ धूप वो कुछ नहीं आई है, तो चलती हूँ नीचे को, इससे अच्छा मैं रूम पर ही बैठे रहूँ। अब बनाती हूँ नीचे जाके फर्स्ट क्लास की चाय। गाइस नीचे तो मैं आ चुकी हूँ, अभी रूम पर लाइट वाइट सब बंद करके गई थी ना, इसलिए अंधेरा हो रहा है, पहले लाइट चला लूँ। यस मैं बर्तन रख के आती हूँ तब तक बाल्टी। अभी मेरे को गाइस बर्तन भी धोने हैं, मैंने उसी टाइम दिखाई मेरे चाय के बर्तन सुबह नाश्ते के, ऐसे ही आराम से धोऊंगी इनको। हेलो गाइस अभी टाइम हो रहा है नाइट के 10 बजे का, और हमारा हो रहा है अभी बाहर जाने का, गाड़ी में है हम, नाइट स्टे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहीं पर पास ही में जा रहे हैं कुछ सामान लेने। अभी गज्जू ड्राइव कर रहा है और मैं और मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं। मैं यहाँ को इसलिए बैठी हूँ क्योंकि फेस पर लाइट आ रही है ना, वैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ को मुड़ी हूँ। अभी हमने खाना वाने में खाया है, और आज हल्द्वानी में ना पहली बार, मतलब इस जाड़ों में पहली बार इतना तगड़ा वाला कोहरा लगाया, बहुत खतरनाक, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर साइड में तो बहुत जगह लग रहा है कोहरा बहुत है, बट हल्द्वानी में आज पहली बार इतना ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। अरे राजा, मैं मेरे पतिदेव गज्जू भैया और उसका दोस्त, ये है गज्जू, आज हमारा राजा ना, तो आज पार्टी थी हमारी, चिकन पार्टी, चिकन बनाया था अमित भैया ने, मैंने चावल बनाए, रोटी बनाया, आटा गूंदा, खा पी के सो चुके हूँ। अभी गज्जू ने टेस्ट के लिए चापट खिला दिया, हाय चापट खा के मजा ही आता है, मतलब टेस्ट ही अलग है, पहले से 1 रुपए का आधा 5 रुपए का एक पैकेट आता है। पूरे घर में आज हमारा ही राज है, आज मम्मी भी नहीं है, मम्मी की कमी खल रही है, और ये देखो कैसे हंस रहा है, हंसने में लगा बिस्तर के अंदर मुंह डाल के। और गाइस आज ना बाहर इतना ठंडा हो रहा है भाई साहब, बहुत ही तेज वाला ठंडा हो रहा है, बाहर बहुत खतरनाक वाला कोहरा पड़ा है। तुम यार हल्द्वानी में तो पहली बार ही पड़ा है, अब से लगा लो मैं तो कंटिन्यू कोहरा रहेगा, एक दिन में सूखने वाले कपड़े, सॉरी 2 दिन में सूखते थे, अब 3 दिन 4-4 दिन लगेंगे सूखने में। तो गाइस चलिए आराम करते हैं, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, और बेल आइकन सबसे पहले दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो दोस्तों चलिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।